दोस्तों, आप एक साल में कितना कमाते हैं और कितना सेविंग करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं और आपकी जीवन शैली कैसी है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको कहें कि कुछ भिखारी आपसे और हमसे भी ज्यादा कमाते हैं? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत में कुछ भिखारी ऐसे भी हैं जो बहुत अमीर होते हुए भी भीख मांगना पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम आपसे भारत के कुछ ऐसे भिखारियों के बारे में बताएंगे जिनके पास खुद के अपार्टमेंट है, उनके पास बहुत सारी संपत्तियां भी है और एक बड़ा बैंक बैलेंस भी, लेकिन फिर भी वे सड़कों पर भीख मांगते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वे लोग। भरत जैन। भरत जैन ज्यादातर मुंबई के परेल एरिया में काम करते हैं। दो अपार्टमेंट के मालिक है और प्रत्येक अपार्टमेंट की कीमत लगभग 70 लाख रुपए से ज्यादा है। एक पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक वह हर महीने करीब 75,000 रुपए कमाते हैं। लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास ने साल 1964 से कोलकाता में महज 16 साल की उम्र से भीख मांगना शुरू कर दिया था और अपने 50 साल से भी ज्यादा के करियर में जितना हो सके उतनी बचत की और बैंक में खाते खोलकर ढेर सारी सेविंग कर रखी है। कृष्ण कुमार गीते। गीते कथित तौर पर मुंबई के चरनी रोड के पास भीख मांगते हैं और एक फ्लैट के मालिक भी है जहां वह अपने भाई के साथ रहते हैं। वह जाहिर तौर पर एक दिन में लगभग 1,500 रुपए कमाते हैं। बुरजू चंद्र आजाद। कथित तौर पर बुरजू चंद्र आजाद के पास गोवंडी में उनके घर से 8.77 लाख रुपए और लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई थी। 2019 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपनी जान गंवाने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सारी प्रॉपर्टी की खोज की थी। तो दोस्तों, आपका इन भिखारियों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पप्पू कुमार। एक हादसे में पैर टूट जाने के बाद पप्पू कुमार ने पटना के रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने के लिए भीख मांगना शुरू किया था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कुमार के पास 1.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। मासुया मलाना। मासू कथित तौर पर रात करीब 8 बजे के बाद भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वह ज्यादातर टेलीविजन और फिल्मी सितारों द्वारा जाने जाने वाले हाई एंड रेस्तरा के बाहर भीख मांगते हैं। कहा जाता है कि वह हर दिन औसतन 1,000 रुपए से 1,500 रुपए के बीच कमाते हैं। अंधेरी वेस्ट के अम्बोली में अपने 1 BHK फ्लैट के अलावा उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास अंधेरी ईस्ट में भी एक फ्लैट है। सर्वतिया देवी। सर्वतिया पटना में अशोक सिनेमा के पीछे रहने वाले भिखारियों में से एक है। जाहिर है कि वह हर महीने 50,000 रुपए कमाती है और 36,000 रुपए का सालाना बीमा प्रीमियम का भुगतान भी करती है। संभाजी काले। संभाजी काले एक पेशेवर भिखारी है जो बहुत सारी अचल संपत्ति के मालिक है। महाराष्ट्र के शोलापुर में एक फ्लैट और अलग अलग घरों के मालिक है। उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।